So this is a most important, this is a most important topic, the connective tissue. You have to know about the what is a connective tissue, what is a adipose tissue, what is a एरोलर टिश्यू, व्हाट इज अ फाइब्रोजन टिश्यू. तो आपको ये इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है. तो व्हाट इज अ कनेक्टिव टिश्यू फर्स्ट. द कनेक्टिव टिश्यू इज व्हाट इट कनेक्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी और द टिश्यू और द ऑर्गन टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी और टिश्यू और ऑर्गन. द कनेक्टिव नाम से ही है, कनेक्टिंग ईच अदर, राइट. सो दे आर लिंकिंग और सपोर्ट अदर टिश्यू और ऑर्गन और द बॉडी इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू. So all the connective tissue except the blood, the cells secreted fibers and the structures protein called collagen or elastin. यानी connective tissue में blood भी आता है. और blood में क्या होता है, कि blood के जो fibers होते हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है कि blood के basically दो parts होते हैं. One is called plasma. One is called plasma and other is called formed elements, plasma and formed elements. So this plasma is consist of the many like electrolytes, बहुत सारे electrolytes होते हैं इसके अंदर. कुछ like glucose, खासकर कुछ storage material glucose और प्रोटीन होते हैं, खासकर प्रोटीन. दे आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन. इसको याद करने का तरीका मैं हमेशा से बताता हूं, आओ जी फेंटा पियो. ए बोले तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन. एंड द फॉर्म एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट. सो व्हाट इज द फाइबर ओवर हियर? सो फाइबर इज बेसिकली दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्लाज्मा, राइट. और ब्लड के अंदर ऐसा सिंथेसिस देखने को नहीं मिलता है. तो ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड, द सेल सिक्रेटेड फाइबर्स, दे आर ए स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दे आर कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन. सो द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. अगर किसी भी टिश्यू के अंदर फाइबर अगर हो तो उस टिश्यू को, उस सेल्स को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो फ्लेक्सिबल हो, इलास्टिक हो. द सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाई पॉलीसेक्राइड विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स एंड दे एक्ट एज अ मैट्रिक्स विच इज कॉल्ड ग्राउंड सब्सटेंस. तो बहुत बार ग्राउंड सब्सटेंस से क्वेश्चन आता है. तो ग्राउंड सब्सटेंस इज नथिंग बट इट इज अ मैट्रिक्स. द कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड इन टू द थ्री टाइप, ध्यान रखिएगा. The connective tissue is classified into the three type. One is called loose connective tissue. Other is called dense connective tissue. And other is called specialized connective tissue. Right? तो इसमें तीन type के आपके tissue देखने को मिलते हैं. One is called loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue. लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान दीजिएगा. इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू. आपको रिलेट करना है, चीजों को रिलेट करना है, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए. आइए मैं पीछे बैक लेके जाता हूं. कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग. कनेक्टिव टिश्यू का मतलब हुआ कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को जोड़ना, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू. अब कनेक्टिव टिश्यू के बेसिकली तीन पार्ट होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज. कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट होते हैं, लूज, डेंस, स्पेशलाइज. कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स क्या होता है कि सेल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सेल को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट. और टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू लूज, डेंस और स्पेशलाइज होते हैं. अब हम लूज के बारे में बात करेंगे. तो लूज के भी दो पार्ट होते हैं, एरुलर और एडिपोज. एरुलर, एडिपोज, यहां से फिर से आ जाते हैं. लूज, डेंस, स्पेशलाइज. लूज के दो, एरुलर और एडिपोज, सबके दो दो होते हैं. जैसे आपने देखा होगा किसी फैमिली में तीन भाई हैं, बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई और सबके दो दो बच्चे हो गए, ठीक है. तो जब कहीं जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे कितने बालक हैं, कितने बालिकाएं हैं, तो दो. तुम्हारे भैया के दो, तुम्हारे छोटे भाई के दो, है ना, हम दो, हमारे दो. तो ऐसे ही सबके दो दो हैं. लूज के भी दो, एडिपोज और एरुलर, ठीक है. तो व्हाट इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू? द
The loose connective tissue, the cells and fibers are loosely arranged. Loosely arranged, tight नहीं होते हैं, loosely arranged होते हैं in a semi-fluid ground substance. मतलब बीच में कुछ fluid, semi-fluid ground substance होता है. So the cells and fibers are loosely arranged in a semi-fluid ground substance. They are the two type. One is called areolar tissue and other is called adipose tissue. अब बारी बारी से समझते हैं कि एरुलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है. तो एरुलर टिश्यू जो होता है, दे आर प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. तो हमारे जो स्किन है उसके जस्ट नीचे, स्किन के जस्ट नीचे हमारा एरुलर टिश्यू होता है. द सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ द एपिथीलियम, एपिथीलियम को सपोर्ट करता है. एंड सर्टेन फाइब्रोब्लास्ट द सेल्स आर प्रोड्यूस एंड सिक्रीट द फाइबर्स एंड एग्जाम्पल द मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल. So, इस एडिपोज टिश्यू जो होता है हमारे एपिथीलियल को सपोर्ट करेगा एंड दे कंसिस्ट ऑफ फाइब्रोब्लास्ट. फाइब्रोब्लास्ट यानी एरुलर टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट होते हैं एंड दिस फाइब्रोब्लास्ट इज अ सेल्स विच प्रोड्यूस अ सिक्रेटरी फाइबर्स लाइक मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल. यानी जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं वो मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, एरुलर टिश्यू में होता है. ये देखिए अद्भुत डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है. तो आपको यहां पे देख पा रहे हैं ये पिंक कलर का डायग्राम नजर आ रहा है. दिस इज कॉल्ड मैक्रोफेजेस. मैक्रोफेजेस, द मैक्रोफेजेस इज देयर. ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. यहां पे फाइब्रोब्लास्ट नजर आ रहा है. तो देखिए इस बार आपका एग्जाम जो है एम्स और जिपमर के साथ कोलाबोरेट है, राइट? तो आपको इस तरह प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर कुछ भी अगर आ जाए ऊपर नीचे तो आप फेल ना हो, आपकी हमेशा विजय हो. ये तभी हो पाएगा जब हर सिनेरियो, हर एस्पेक्ट से आप पढ़ाई करेंगे. ठीक है, तो डायग्राम इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट. लुक ओवर हियर, दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट, दिस इज अ फाइब्रोब्लास्ट एंड दिस इज अ कोलाजन. कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर. सो दिस इज अ कोलाजन फाइबर जिसपे मैं पेन चला रहा हूं. दिस इज कोलाजन फाइबर एंड हियर इज अ मास्ट सेल. मास्ट सेल आपको पता है, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन. हिस्टामिन, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन. मास्ट सेल सिक्रीट, मास्ट सेल सिक्रीट हिस्टामिन. वैसो कंस्ट्रिक्शन वाले पदार्थ सिक्रीट करते हैं जिससे ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं. इसके अलावा सेरोटोनिन भी सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन. तो ये सारे क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी रिलेट आप कर सकते हैं. तो दिस मास्ट सेल सिक्रीट द हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड वैसो कंस्ट्रक्शन. ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देंगे. ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने के अलावा अगर बॉडी के अंदर और भी कुछ चीज कैविटी है उसको भी कंस्ट्रिक्ट करेंगे. अगर मान लीजिए कि हमारे ब्रोंकियोज को भी कंस्ट्रिक्ट करना लगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे. यस, ये होता है. तो मास्ट सेल क्या होता है कि अगर एलर्जिक अस्थमा होता है, अस्थमा के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना. देखिए कहां से कहां तक जोड़ दे सकते हैं. यही खास बात होती है फिजियोलॉजी की, यही खास बात होती है बायोलॉजी की. बायोलॉजी इज नॉट अ हिस्ट्री. अकबर के पिताजी कौन थे, बिरबल के पिताजी कौन थे, उन्होंने आम खाया, इमली खाया, ये नहीं है बायोलॉजी. रियल साइंस, कंसेप्चुअल साइंस. और नीट में आप जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे वो सारे कंसेप्ट से आते हैं. एनसीईआरटी के लाइन से नहीं पूछे जाते हैं, लाइन से भी कंसेप्ट बनाते हैं. तो जो लाइन वाले रह जाते हैं वो तो रह जाएंगे. आपको लाइन याद होना चाहिए. अगर याद हो तो कंसेप्ट भी आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे. नहीं तो ऐसा रेशो थोड़े ना है, 3% सिलेक्शन और 97% बच्चे सक्सेस ही नहीं हो पाते हैं. यही कारण है कंसेप्ट. तो जैसे हिस्टामिन सिक्रीट होता है, वैसो कंस्ट्रिक्ट होता है, हमारे ब्रोंकियोल को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्रोंकियोज को कंस्ट्रिक्ट करेगा. सांस नहीं ले पाएगा पेशेंट, सांस नहीं ले पाएगा. दैट इज कॉल्ड अस्थमा, दैट इज कॉल्ड एलर्जिक अस्थमा. इसको हम क्या कहते हैं, एलर्जिक अस्थमा. तो हम क्या करते हैं, इस हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन देते हैं. एक आईजीई एंटीबॉडी का एलिवेशन होता है तो आईजी को बनने नहीं देते हैं. एक दवाई होती है मोंटेल्यूकास्ट जफारी लुकास्ट. अगर आपके आसपास पड़ोसी में किसी को अस्थमा होगा तो हो सकता है कि ये ल्यूकास्ट, लास्ट में ल्यूकास्ट आएगा, ल्यूकास्ट वाले टैबलेट भी खाता होगा अगर वो एलर्जिक अस्थमा से होगा तो. तो देख रहे हैं किससे रिलेटेड है. तो हमने क्या पढ़ रहे थे, हम तीन टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे, लूज, डेंस, स्पेशलाइज. लूज के दो भाई, दो पार्ट्स, एडिपोज और एरुलर. एडिपोज, एरुलर जो हम होता है हमारे स्किन के नीचे रहता है.
एपिथेलियल्स को सपोर्ट करता है, कंटेन्ड फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफेजेस मास्ट सेल, राइट। अब आइए एडिपोज के बारे में बात करते हैं। तो एडिपोज जो होता है, अगर हम मोटे होते हैं उसका कारण एडिपोज टिश्यू है, अगर हम मोटे हैं उसका कारण है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में जो भी आपके एक्सेसिव फैट्स हैं, दे कैन एक्यूमुलेट इनसाइड द एडिपोज टिश्यू। सो हाउ कैन यू से दैट कि द फैट इज एक्यूमुलेट इनसाइड द एडिपोज टिश्यू, इतना ज्यादा फैट कहां से आया? तो देखिए, अगर आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया और लॉकडाउन की स्थिति में है, इस समय कोरोना के वजह से बहुत सारे लॉकडाउन की स्थिति में है, लोग फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो है, पार्क पे ताला लगा हुआ है, ठीक है, तो और तरह तरह के खाने व्यंजन आजकल बन रहे हैं, है ना, यूट्यूब से देख के बढ़िया बढ़िया बिरयानी ये वो दुनिया भर का चीजें बना रहे हैं, ठीक है, लोग जलेबी बना रहे हैं, छोले भटूरे बना रहे हैं, यार बाहर खा नहीं सकते, चलो घर में तो खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा एनर्जी क्या हो रहा है, आपके बॉडी में आ रहा है, बट एनर्जी तो बर्न तो नहीं हो पा रही है, फिजिकल एक्सरसाइज जीरो है, तो फैट विल बी एक्यूमुलेट वेयर इट एडिपोज टिश्यू, एंड एडिपोज टिश्यू वेयर ये जो पफी है, ये स्किन है, देखो मैं खींच पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत खींच पा रहा हूं, तो ये भी क्या है, हमारा एडिपोज टिश्यू है, समझ रहे हो, ये खींचना नहीं चाहिए, ये देखो भरा हुआ ये फैट है, समझ रहे हो। सो दे आर लोकेटेड बीनीथ द स्किन एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर द फैट एंड यू बिकम अ फैटी मोटी फैटी मोटी, ठीक है, तो यू बिकम अ फैटी लाइक मोटी, फैटी मतलब मोटी, मतलब आप मोटी हो जाओगे या मोटा हो जाओगे, बिकॉज दिस फैट इज कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग द एडिपोज टिश्यू, है ना। तो फैट फैट हम यहीं से जहां मैं आपको एग्जामिन करता हूं ना, ऐसे ही हम मेजर करते हैं, दिस इज अ वे टू मेजर द फैट्स कि वेदर यू आर फैटी और नॉट, राइट। द एक्सेस न्यूट्रिएंट जो भी आपने खाया है पिया है, विच नॉट यूज इमिडिएटली एंड कन्वर्टेड इनटू द फैट, छोला भटूरा बिरयानी है ना, पूरी सब्जी रोटी दाल तरह तरह के व्यंजन जो आपने खाया है, वो एनर्जी तो आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हो, तो दे एक्यूमुलेट इनसाइड द फैट एंड दिस फैट इज एक्यूमुलेट इनसाइड द एडिपोज टिश्यू, मोटे हो गए। तो जब लॉकडाउन खुला और शर्मा जी वर्मा जी के घर गए, तो शर्मा जी वर्मा जी कहते हैं, अरे एकदम बढ़िया यार, पेट वोट निकल गया, क्या बात है, एकदम मोटे हो गए, है ना। तो उनका क्या जवाब आता है कि अरे हम तो खाते पीते घर के हैं, है ना, खाते पीते घर के हैं, मोटे हो गए तो क्या हुआ, ठीक है, तो मोटे हुए तो क्या हुआ, अगर यही फैट गलती से हमारे आर्टरी के अंदर डिपॉजिट हो गया तो शर्मा जी वर्मा जी कहां चले जाएंगे, सीधा आईसीयू, एमआई का अटैक आ जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, गए प्यारे हो जाएंगे फिर, ठीक है। सो ज्यादा मोटा होना ये बात का प्रमाण है कि आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ जा रहे हैं, और हमारा भारतवर्ष में दो ही बहुत बड़ी बीमारी होती है, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, देयर इज अ टू डिजीज, डेडली डिजीज, वी आर डायबिटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने पेशेंट तरह तरह के बीमारी से नहीं होंगे उनसे सबको मिला दिया जाए तो हमारे यहाँ डायबिटीज वाले हैं, लो भैया हम तो शुगर हैं फिर भी चाय पियेंगे, फिर भी हमारे बेटे का नीट में सिलेक्शन हुआ है, हम तो रसगुल्ला खाएंगे ही खाएंगे, क्या हो गया, एक दिन खाने से थोड़े ना कुछ होता है, परसों ही तो खाया था यार, परसों खाया था, अब तक तो कहाँ चला गया होगा पता नहीं, लाओ लाओ दो। तो हमारा एक ऐसा ही थिंकिंग बना हुआ है, आप रोक ही नहीं सकते हो, कोई डॉक्टर रोक ही नहीं। अब जैसे क्या होता था कि हम लोग पेशेंट को बताते थे, यू मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, यू हैव टू वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली बिफोर गोइंग टू वे बेड, बिफोर गोइंग टू द फूड, या जो भी चीज है, आप आसपास साफ सुथरा पहनो, नहीं जी हमें क्या जरूरत है, हम तो इंडियन है भाई, हमारा नेचर ही मिल मिलाओ से रहना, हम तो गले लगते हैं यार, हमें क्या सिखा रहे हो डॉक्टर साहब, ये सब चीज नहीं, आज देखो दूरी बना लेते हैं, ठीक है, शर्मा जी वर्मा जी खास मित्र, दूर से रहो, कोई बात नहीं, खास हो अपने यहाँ रहोगे, दूर रहो, हाथ नहीं मिलाना, नमस्ते करना है, आप 10 बार हाथ धोएंगे, ठीक है। डर ही जो चीज है वो सिखा देता है, बट हमारे यहाँ डायबिटीज से कोई डरता नहीं है, भले ही मर जाए मत डरेंगे नहीं, डरना क्या है यार, है ना, मरना तो सबको है, तो डरना क्या है। तो इसलिए जो है, द एक्सेस फैट इज एक्यूमुलेट इनसाइड द एडिपोज टिश्यू एंड द पेशेंट बिकम अ वेरी पफी फैटी मोटी, है ना,
तो इसको आप अगर देखेंगे तो दिस इज अ फैट स्टोरेज एरिया, दिस इज अ फैट स्टोरेज एरिया एंड दिस इज अ न्यूक्लियस एंड दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू, आप देखिए हमने दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा, लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसके दो पार्ट एरुलर और एडिपोस, फिर एक हम अब हम डेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पेशलाइज के बारे में पढ़ेंगे। तो डेंस के बारे में पढ़ते हैं, यहां देखिए डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक होते हैं, और डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, देख रहे हैं इनके भी दो हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, उसके भी दो थे एडिपोज और एरुलर, यहां इसके भी दो हैं डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, ठीक है। जैसे हमारे यहां इंडिया में नाम रखते हैं ना कि गीता बबीता, ताता लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, अजीत रंजीत है ना, ताता आना चाहिए, ऐसे इनके भी नाम है डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है द कोलाजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन अ रो बिटवीन द मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर, मेनी पैरेलल बंडल्स ऑफ द फाइबर्स, एग्जाम्पल द टेंडन, एग्जाम्पल द टेंडन, दे अटैच स्केलेटल मसल्स टू द बोन। इससे क्वेश्चन आया था नीट के एग्जाम में कि द टेंडन, टेंडन, तो इससे भी क्वेश्चन आता है टेंडन से, बिकॉज दिस टेंडन इज हेल्पफुल फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल टू बोन, मसल टू बोन, एंड द लिगामेंट इज वॉट, लिगामेंट इज इंपॉर्टेंट टू अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन, बोन टू बोन, लिगामेंट इज अटैच टू बोन टू बोन, इससे क्वेश्चन आता है। यहां पे देखेंगे दिस इज अ कोलाजन फाइबर, दिस इज अ कोलाजन फाइबर्स। डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में समझते हैं, डेंस इरेगुलर टिश्यू के बारे में समझते हैं, द फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली द कोलाजन दे ओरिएंटेटेड डिफरेंटली एंड दिस सेल्स प्रेजेंट इन द स्किन, द बोन एंड ब्लड आर द वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज कॉल्ड अ बोन एंड अदर इज कॉल्ड कार्टिलेज, इसके भी दो, तो स्पेशलाइज के भी दो, बोन एंड कार्टिलेज। अब हम कार्टिलेज के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, फिर हम बोन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो कार्टिलेज का मतलब क्या होता है कि द कार्टिलेज द इंटर सेलुलर मटीरियल मैट्रिक्स इज अ सॉलिड। तो कार्टिलेज आपको पता है कि जब किसी का डिलीवरी होती है, जब किसी का डिलीवर कोई करती है तो उसमें मैक्सिमम कार्टिलेज होता है, द मैक्सिमम कार्टिलेज होता है, और इसलिए कार्टिलेज की वजह से बहुत ही इजीली डिलीवरी हो जाती है। अगर बोन रहता तो शायद डिलीवरी में प्रॉब्लम होती, अगर बोन रहता तो शायद डिलीवरी में प्रॉब्लम होती है। तो एट द बेबी द कार्टिलेज आर अबंडेंट इन नेचर, और वही कार्टिलेज मॉडिफाई होके बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कार्टिलेज इज द इंटर सेलुलर मैट्रिक्स विच इज, अगर इसके अंदर हम देखेंगे, अंदर वाला मटेरियल आप अगर देखेंगे कार्टिलेज का, तो काफी सॉलिड होता है, कठोर होता है, दे आर पायलेबल ड्यू टू द कॉन्ट्रिन सॉल्ट एंड रजिस्ट कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि अगर आपको कोई प्रेशर अगर उसके ऊपर लग जाए तो उस चीज को रजिस्ट कर लेगा। कॉन्ड्रिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज अ फेमस क्वेश्चन, द कॉन्ड्रिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। तो सी फॉर कॉन्ड्रिन, सी फॉर कार्टिलेज, सी फॉर कॉन्ड्रिन, सी फॉर कार्टिलेज, द कॉन्ड्रिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर इम्बेडेड इन टू द मैट्रिक्स ऑफ द कॉन्ड्रिन एंड द कॉन्ड्रिन इज अ रेजिस्टेंस ट्रांसल्यूसेंट ब्लूइश व्हाइट सब्सटेंस। देख रहे हैं ये सब ब्लूइश व्हाइट सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहा है, ब्लूइश व्हाइट सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, दैट इज अ कॉन्ड्रिन। द कार्टिलेज सेल दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, जैसे बोन के जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट्स होते हैं, ओस्टियोसाइट्स। तो ऐसे ही कार्टिलेज के जो सेल होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, दे आर इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल कैविटी विद इन द मैट्रिक्स विच इज सिक्रेटेड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टेब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय द बोन इन द एडल्ट। तो जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो रहता है, कार्टिलेज रहता है, और जैसे जैसे वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो उसमें बोन में कन्वर्ट हो जाता है, दे कन्वर्ट इन टू द बोन। एग्जाम्पल कार्टिलेज का टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ द नोज आर कार्टिलेज, आउटर इन ईयर दैट इज स्पिना, ज्वाइंट इन द वर्टेब्रल कॉलम है ना, एंड लिम्स एंड हैंड इन द ऑफ द एडल्ट, इट्स एग्जाम्पल ऑफ
कार्टिलेज। सो आइए हम बोन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि बोन क्या होता है, राइट? तो बोन के बारे में समझते हैं कि बोन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो बोन जो होता है, बोन बिल्कुल हार्ड स्ट्रक्चर होता है, नॉन पाइलेबल होता है, मतलब कंप्रेस नहीं हो सकता है। मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारा सॉल्ट भरा रहता है, एंड द कॉलेजन फाइबर्स विच गिव राइज टू द बोन टू इट्स स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ देता है, काफी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोन सेल दैट इज कॉल्ड ओस्टियोसाइट्स, दे आर सीन इन द स्पेस कॉल्ड ल्यूकिने, ये टर्म आता है, द टर्म ल्यूकिने इज एसोसिएटेड विद बोन सेल, ठीक है। तो ओस्टियोसाइट्स जहां पे रहते हैं, जिस कैविटी में रहते हैं, मान लीजिए ओस्टियोसाइट जो डॉट 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 बना रहा हूं, ये ओस्टियोसाइट्स हैं। तो ओस्टियोसाइट्स जिस जगह रहते हैं, उस जगह का नाम होता है ल्यूकिने, ल्यूकिने। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बोन, द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, जैसे हमारी बॉडी ऐसी है तो सिर्फ और सिर्फ बोन की वजह से है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड ऑर्गन, लिम्स एंड बोन सर्व्स अ वेट बियरिंग फंक्शन एंड दिस टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन अ बोन मैरो, कि जितने भी बोन होते हैं हमारे बॉडी के, मान लीजिए बोन है, बोन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स हम कभी और डिस्कस कर लेंगे। तो बोन के अंदर दो टाइप की कैविटी होती हैं, वन इज कॉल्ड रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो इज अ स्ट्रक्चर, एंड दूसरा एक और भी स्ट्रक्चर होता है बोन के अंदर, दैट इज कॉल्ड येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। बट द रेड बोन मैरो इज अ क्वाइट एक्टिव इन नेचर एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू द सिंथेसिस ऑफ ऑल द ब्लड सेल्स, तो जितनी भी ब्लड सेल्स होते हैं, सब सारे ब्लड सेल को ये सिंथेसाइज करता है। जैसे आरबीसी का फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो में ही होगा, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो में ही होगा, प्लेटलेट का फॉर्मेशन हमारे रेड बोन मैरो में ही होगा। सो ऑल द ब्लड सेल्स आर फॉर्म इनसाइड द रेड बोन मैरो विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बोन मैरो, राइट? यहां पे देख सकते हैं, ये दिस इज द टाइप ऑफ द ब्लड लॉन्ग बोन, एंड हियर इज अ कार्टिलेज द आउटर कवरिंग, लुक ओवर हियर, दिस इज अ कार्टिलेज। फिर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं हो पा रहा होगा, बट मैं आपको मार्क कर देता हूं, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज। तो जो कार्टिलेज है, ये ऊपर वाला एरिया है। फिर जो अंदर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी कैंसलस बोन है, दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी कैंसलर बोन, दिस इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड डायाफाइसिस इज कॉल्ड शाफ्ट ऑफ द मसल, शाफ्ट ऑफ द बोन, राइट? जो ऊपर वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस, और उससे जस्ट नीचे वाला एरिया है, दिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस में क्या होता है कि मैक्सिमम, एम फॉर मेटाफाइसिस, एम फॉर द मैक्सिमम ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है मेटाफाइसिस में, और ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है तो मैक्सिमम इन्फेक्शन के भी चांस ज्यादा होंगे, क्योंकि मैक्सिमम इन्फेक्शन कहां से आते हैं, ब्लड से आते हैं। तो बोन का सबसे ज्यादा जो इन्फेक्टेड वाला पोर्शन है वो मेटाफाइसिस है, टिप से जस्ट नीचे। तो ये क्वेश्चन आया है नीट के अंदर, द प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज, तो द आंसर इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रिन प्रोटीन, ठीक है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। तो मसल टिश्यू के बारे में समझते हैं, द मसल टिश्यू इज व्हाट, ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन अ पैरेलल रेज। तो मसल्स आपने पढ़ा होगा मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, सारे मसल्स एक पैरेलल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स, राइट? एंड दे हैव एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, यू नो दैट। सो दिस फाइबर्स आर कंपोज ऑफ द न्यूमरस फाइन फाइबर्स कॉल्ड द मायोफाइब्रिल्स, एंड द मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड देन रिलैक्स, विच इज कॉल्ड लेंथन, एंड रिटर्न टू द अनकंट्रैक्टेड स्टेट एंड कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी आपने पढ़ा होगा, उसी से आधारित है। सो देयर एक्शन इज मूव द बॉडी, जब आप बॉडी को मूव करते हो तो इसी इसी के वजह से हो पाता है।
तो देयर एक्शन इज मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द एनवायरमेंट टू द मेंटेन द पोजिशन ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. सो इन जनरल द मसल्स प्ले अ एक्टिव रोल ऑल द मूवमेंट एंड दे आर द थ्री टाइप ऑफ मसल एज यू नो द स्केलेटल मसल्स विच इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल एंड दे आर इंपॉर्टेंट टू द मूवमेंट एंड लोकोमोशन. द स्मूथ मसल्स दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन लाइक द GIT, small intestine and stomach, and the cardiac muscles, they are present in the heart, right? So this is some important concept regarding to the structure organization in animals. और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आप ही का है और आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है. थैंक यू सो मच.